टाइगर जिंदा है का अंतिम डेमिकअप तस्वीरों को देखकर हैरान रह जाएंगे। टाइगर जिंदा है के ट्रेलर को काफी पसंद किया गया है। नतीजा यह है कि ट्रेलर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर बन चुका है। कोई शक नहीं, अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है। सलमान की रेस 3, फैंस को धोखा, 300 करोड़ी ब्लॉकबस्टर झटका। टाइगर जिंदा है की कहानी इराक में ISIS के चंगुल में फंसी 25 भारतीय नर्सों की कहानी है कि किस तरह टाइगर उन्हें इराक से बचाकर भारत लाता है। खैर, फिल्म की कहानी जितनी आसान दिखती है, निर्देशक को यह फिल्माना उतना ही मुश्किल था। अली अब्बास जफर ने इराक को दिखाने के लिए अबू धाबी में एक काफी बड़ा सेट तैयार किया था। बता दें, यह किसी भी बॉलीवुड फिल्म की विदेश में बनाया गया सबसे बड़ा फिल्म सेट था। नीचे दी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस परफेक्शन के साथ काम किया गया है। अबू धाबी में फिल्म के लिए शानदार सेट तैयार किया गया था। फिल्म का सेट 20,000 स्क्वायर मीटर पर सेट तैयार हुआ था, जहां 150 से ज्यादा वर्कर्स लगाए गए थे। फिल्म की पूरी शूटिंग हुई है विदेश में। इसके लिए टीम ने कई अलग अलग देशों में लोकेशन ढूंढ रहे हैं, जिसे बॉलीवुड में ज्यादा नहीं देखा गया है। एक सीन में सलमान खान ऑस्ट्रिया के बर्फ से ढके जंगल में भेड़ियों के साथ लड़ते नजर आएंगे। इस सीन के लिए फिल्म की टीम ने काफी तैयारी की थी। भेड़ियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। इसे शूट करने के लिए इंटरनेशनल क्रू को शामिल किया गया। साथ ही शूटिंग के समय भी सारी सुरक्षा बरती गई। खास बात यह है कि इनमें से कई लोकेशन 0 डिग्री तापमान वाले भी थे, यानी कि कड़कड़ाती ठंड में सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ ने शूट किया था। फिल्म की शूटिंग अबू धाबी, ऑस्ट्रिया और मुंबई में किया गया है।